सबसे क्रूर तानाशाह के नाम से मशहूर एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1989 में हुआ था। हिटलर इतिहास का सबसे खतरनाक नेता माना जाता है, जिसके सामने पूरा विश्व कांपता था। साल 1933 में हिटलर ने जर्मनी की सत्ता पर काबिज हुआ, जिसके बाद उसने जर्मनी में नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की थी। वह यहूदियों से सख्त नफरत करता था। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया। होलोकॉस्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, इतिहास से जुड़ी हुई ऐसी ही जानकारियों के लिए अभी सूर्या टॉक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।